राजधानी रायपुर के एम्स के पास नशीली टैबलेट बेचते हुए तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई थी, जिसके बाद आमानाका पुलिस और एंटी क्राइम यूनिट ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि यहां रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनका नाम अमन सोनेकर उर्फ सन्नी, वीरेंद्र सोनी और साथ ही गौतम सोनी है। तीनों सरस्वती नगर रायपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उनमें से करीबन 2800 नशे के टैबलेट मौजूद थे और आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।